Mülteci sakin ol. Şabbaş. Babulalci. Ek çautai ramu ki, yani ki 25 kilo. Aur 75 kilo çote sarkar. अरे अरे मुनीम जी, ये कैसा अन्याय? आधे के बदले एक चौथाई, ये कैसा अन्याय? मुनीम जी, बटाई ऐसी ही होगी तो हम गरीबों का काम कैसे चलेगा? पिछले साल बरखा कम होने से फसल भी कमजोर हुई। फसल कमजोर हुई तो हम क्या करें? ना हम ईश्वर है ना मेघदूत। बरखा नहीं हुई इसमें मेरा क्या दोष? मगर मुनीम जी, बड़े सरकार के जमाने में तो आधे की बटाई हुआ करती थी। भला पुराने रीति रिवाज कैसे टूट सकते हैं मुनीम जी? अरे क्यों नहीं टूट सकते मूर्खो, रीत बनाना और रीत तोड़ना भी तो बड़े लोगों की रीत है, क्यों माय डियर मुनीम? बड़े सरकार के बखत ने बहुत मौज मजा उड़ा लिया, अब छोटे सरकार का राज है, क्यों मास्टर बिरजू? राइट माय डियर मुनीम जी, बड़े सरकार के जमाने में बड़ा हिस्सा, छोटे सरकार के जमाने में छोटा हिस्सा। चल चल अपना काम कर। अरे हम क्या काम करेंगे, काम तो तुम दिखा रहे हो माय डियर। माय डियर का बच्चा, तुम सब कान खोल कर सुन लो, आज से बटाई ऐसे ही होगी। तो तुम्हारा मतलब है कि हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाए? बाल बच्चे भूखे मरते हैं तो मर जाने दे, आने वाले कम होंगे तो तुझे तो भर पेट रोटी मिलेगी, क्या समझे? ये तुम सब काम छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ठहरो भाइयों, सुनो खामोश। कालू, तो ये सब तेरी जनरेली है? मुनीम जी, भूखे पेट तो बैल भी काम नहीं करते, ये बेचारे किसान कैसे करेंगे? अच्छा, तो तूने भूस में चिंगारी डालकर आग लगाई है? चिंगारी तो आपने डाली है मुनीम जी, पहले गल्ले की बटाई चौथाई करवा दी, फिर धोखे से गरीब सरजू की जमीन लिखवा ली, अन्याय की भी हद होती है मुनीम जी, दबे पे चींटी भी काटती है। याद रख कालू, पछताएगा अगर छोटे सरकार के मगज में गर्मी चढ़ गई तो तुम सब जुल्म जुल्म चिल्लाओगे। आप भी याद रखिए मुनीम जी, जुल्म करने वाला भी पापी और जुल्म सहने वाला भी पापी, मैं इन सब को पाप से बचा रहा हूँ मुनीम जी, अब काम रुका ही रहेगा। अरे ओ जीवा, ये कुएं के मुंडेर पर बैठकर क्या सोच रहे? मरने का इरादा है क्या? अरे हट, तुम्हारे बापू ने तो हमको चक्कर में डाल दिया। चक्कर में? हाँ, वो कहते हैं कि जुलुम करने वाला भी पापी और जुलुम सहने वाला भी पापी, हमारा ही कैसे हो सकता? यूं चुटिया घुमाने से तेरी समझ में नहीं आएगा, जब जमाने की ठोकर खाएगा तब समझ जाएगा। अरे तो हमको भी तो समझाओ जमाने की ठोकर। सुन, अगर तेरी माँ पर किसी ने हाथ उठाया। चुप चुप, हमारी माँ पे कोई हाथ उठाएगा तो ससुरे का हाथ तोड़ के कुएं में झोंक देंगे। हाँ बस यही बात तो बापू ने कही है। अब हमारी समझ में बात आई है। बोल, मेरे खिलाफ किसानों को भड़काने की हिम्मत तुझ में कहां से आई? किस लिए रुकवा दिया तूने काम? मजदूर को उसका हक नहीं मिलेगा तो काम आप से आप रुक जाएगा सरकार। खामोश हरामखोर, सुन ले, कल से मजदूरों ने काम नहीं किया तो जसवंत सिंह तेरी खाल के जूते बना के पहनेगा। जरूर पहनो माई बाप, लेकिन जब तक उनका हक नहीं मिलेगा, फूके मजदूर कल क्या कभी काम पर नहीं आएंगे सरकार। यही इंसाफ है, यही सच्चाई है।
मैं तेरी सच्चाई को तेरी चिता में जला के छोड़ूंगा। कालू जल जाएगा लेकिन सच्चाई नहीं जलेगी। खामोश, मैं तेरी जबान खींच लूंगा। जब भगत सिंह को फांसी का फंदा सच बोलने से चुप नहीं कर सका तो तुम कालू को क्या चुप कर सकते हो? अच्छा, तुम भगत सिंह की मौत मरना चाहते हो? मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। सरकार, ये तो तुम्हारे जूते की ठोकर है। अगर तुम मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दो फिर भी मेरा हर टुकड़ा हक की आवाज देगा। महर्षि मंसूर ने फांसी पर चढ़कर भी हक की आवाज लगाई थी, उसे मारने वाले मट्टी में मिल गए, लेकिन उस महापुरुष की आवाज अनल हक आज भी संसार के कोने कोने में गूंज रही है। भंवर सिंह, कि सुबह तक हक की आवाज इसके गले में घुट के रह जाए, ले जाओ इसे। तालिम का जुल्म जान ले सकता है लेकिन हक की आवाज को नहीं दबा सकता, याद रखना सरकार। अरे चाचा, ये चाचा, ये सब तुम यहाँ कैसे? मैं बोलो चाचा, किसने तुम्हारी हालत बनाई? किस राक्षस ने दुश्मनी निकाली है तुम पर? बोलो बेटा, संसार में दाल मूंग की कमी नहीं, तू चला जा यहाँ से। ये ले, तुमको इस हालत में अकेला छोड़कर चला जाऊं? चलो उठ, उठ। तुम उन ससुरों का नाम बता दो, एक एक का खून पी जाऊंगा मैं। चलो जीवा, कालू को छोड़ दे वरना तुम दोनों की लाशें यहाँ गिरेगी। लाशें तो तुम लोगों की गिरेंगी। भंवर सिंह, खबरदार जो हाथ उठाया। मालकिन, मगर छोटे सरकार का हुक्म है। और मैं छोटे सरकार की माँ हूँ, मेरा हुक्म है कि कालू को जाने दिया जाए। तुम्हारी हालत किसने बनाई? जीवा, मेरे बापू की ये दशा हो गई और तू देखता रहा, बुजदिल कायल। नहीं बेटी, नहीं, ऐसा ना कहो। जीवा ने तो अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाया है। अरे और नहीं तो क्या, वो तो कहो रानी माँ बीच में आ गई, वरना दो एक को तो मैं चेप देता, ससुरों की लाशें पड़ी होती वहाँ। जीवा भैया, अगर तुमने उन ससुरों की लाशें नहीं गिराई तो हम गिरा के आएंगे, हम कालू चाचा का बदला जरूर लेंगे। चलो रुक जाओ, रुक जाओ भाइयों, शांति से काम लो। बदला लेना मनुष्य का काम नहीं है, छोटे सरकार ने अपने गुनाहों का बीज बोया है। वो मूर्ख ये नहीं जानता कि इससे जो पौधे निकलेंगे वो उसकी पापी जिंदगी को घेर लेंगे। याद रखो भाइयों, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तेरी तो सबसे बड़ा अंधेर है माय डियर कालू, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? काटने से पहले ही सांप को मार डालो, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। बिरजू मास्टर, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दिखा दूंगा कि इस पापी का कितना खौफनाक अंत होता है। कुत्तिया की बच्ची, तूने जमीन इतनी गीली कर दी कि मेरा पैर फिसल गया। तो अगर बिक जाए ना तब भी इस झूमर की कीमत अदा नहीं। कमीने की बच्ची, छोटे सरकार, तुमने मेरी माँ पे हाथ उठाया। छोटे सरकार, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे मार डालो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ छोटे सरकार। हाँ जा बुढ़िया।
धूल पैरों में रहे तो अच्छा लगता है। पुरखों ने तेरे खानदान का नमक ना खाया होता तो मैं तेरे ठोड़े खा देता। माँ, माँ चल उठ। मैं अभी इस नमक हराम की जान ले लूंगा। क्यों हर वक्त गरीबों की जान लेने पर तुला रहता है? तू सामने से हट जा माँ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझ पे हाथ उठाया है। अरे हाथ तो तुमने हमारी माँ पे उठाया बाबू, कहीं हमारा हाथ उठ जाता तो सीधे नरक पहुँचा देता। नरक में तो तू आज जाएगा हरामजादे। अपनी खुशी पूरी कर ले, पहली गोली मेरे छाती में उतार दे। माँ, तुझे दूध पिला है उसकी कीमत अदा हो जाएगी। चला गोली, हट जाइए माँ जी, नहीं तो ये बूढ़ा कहाँ पर भी गोली चला देगा। कमीने चुप। अरे तुझे तो मैं गोली खा के भी जिंदा ना छोड़ू छोड़े सरकार। जीवा, जो मेरे बेटे ने तेरी माँ पर हाथ उठाया, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बेटे। चला जाए यहाँ से, चला। माँ जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम कुत्ते नहीं, इंसान हैं। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। अरे कैसे चले जाए माँ, ये कौन इंसाफ है? मालिक के सामने ऐसा नहीं बोलते, तुझे मेरी सब बात। चल यहाँ से, नौकरी करते हैं, किसी का एहसान तो नहीं लेते हैं। हाँ हाँ, जब देखो हाथ उठा देते हैं। अरे मेहनत मजदूरी की करते हैं हम। माँ, तूने हमारे टुकड़ों पर पलने वाले जलील कमीने ग्वाले के आगे हाथ जोड़ लिए, उससे माफी मांगी। तुमने हमारे खानदान की इज्जत और वकार को मिट्टी में मिला दिया, हमारे पुरखों की आत्माओं को जलील कर दिया। किन पुरखों की आत्माओं का नाम ले रहा है? वो आज भी तेरी इन हरकतों से तड़प रही होगी। हाँ तड़प रही होंगी, मगर तुम्हारी वजह से। इसी कमीने ने उस दिन कालू चमार को छुड़वाया था और तुमने उस दिन भी इसी की तरफदारी की थी। अब मैं ये जिल्लत और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ, तुम्हारा मेरा रास्ता अलग अलग है। अब तुम काशी चले जाओ माँ, तुम्हें वहां शांति मिलेगी और मुझे यहाँ। इसलिए कि तुम्हारे जुल्म का रास्ता साफ हो जाए? यही समझ ले माँ, यही समझ ले।